उनके साथ खादमों और सैलि की टीम भी खिदमत में मसरूफ है आप उनके सरमन को पैम्फलेट के जरिए पढ़ सकते हैं और यूट्यूब के ऊपर जाकर आप टीओ जी टी वी को सब्सक्राइब करके उसके जरिए टीचिंग वर्शिप और सरमन के जरिए बरकत को हासिल कर सकते हैं नाजिन जैसा कि आप क्रिस्टोलॉजी मसी के हवाले से मुखल खसूस ट्रांसमिशन देख रहे हैं और आज इस हवाले से ये वन हंड्रेड नाइनटीन एपिसोड है जिसको आप देख रहे हैं और मेन टॉपिक है डिविनिटी एंड एंडी और आज की टीचिंग होगी बाम रोगने बलसान आज की टीचिंग के हवाला से दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे पहला क्वेश्चन होगा और यह भी तू बेफायदा तरह तरह की दवाएं इस्तेमाल करती है शिफा ना पाएगी इसी तरह दूसरा और आखिरी क्वेश्चन होगा इलमसी में कलिसिया का नजात और शिफा पाना और मसीह में दुनिया की बहाली को बाम यानी रोगन बलसान से कैसे तशबी देंगे और इसराइल का रुकन बलसान ना लेना और अदालत और आज जो मसीह की नजात शिफा बहाली को नहीं लेते उनकी अदालत और बाबल यानी मुखालफ मसीह की अदालत इसके बारे में भी बताए ना जिन आज की टीचिंग के हवाले से रूहानी तलीमी चार्ट के क्लिक को देखेंगे उसके बाद सवाल के जवाब का आगाज

और कसर से इत्मीनान दे यर्मिया आठवां बाब और बाईसवीं आयत क्या जलाद में रोगने बिलसान नहीं है क्या वहां कोई तबीब नहीं मेरी कौम क्यों शिफा नहीं पाती यर्मिया बाब ग्यारहवीं आयत कुमारी दुख मिस्र जलाद को चढ़ जा और बिलसान ले तू बेफायदा तरह तरह की दुआएं इस्तेमाल करती है तू शिफा ना पाएगी और अमाल चौथा बाब बारवीं आयत और किसी दूसरे के वसीला से निजात नहीं क्योंकि आसमान के तले आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से हम नजात पा सकें पससेवन बिलीवर्स क्रिस्टोलॉजी के हवाला से क्रिस्टोस ग्रीक वर्ड जिसका मतलब क्राइस्ट और ग्रीक वर्ड लॉजिया जिसका मतलब नॉलेज नॉलेज ऑफ क्राइस्ट या डॉक्टर ऑफ क्राइस्ट के हवाला से जो अंटोलॉजिकल क्रिस्टोलॉजी के अंदर क्राइस्ट की डिविनिटी ह्यूमैनिटी को देख रहे हैं और फंक्शनल क्रिस्टोलॉजी के अंदर क्राइस्ट की मिनिस्ट्री उसका तजस मरना दफन होना जी उठना और बाप के दहने हाथ बैठा है दूसरी आमद में आने वाला है हजार साल बाद शाही और एटर्निटी के बाबत सीख रहे हैं और आज की टीचिंग बाम रोग ने बिलसान और पिक्स डॉक्टर ऑफ बाम के हवाला से जो यर्मिया की किताब के अंदर ये टर्म इस्तेमाल की गई है स्परिचुअली यर्मिया जो इसको कोट करता है और यरूशलेम को यहूदा की सल्तनत को ये आगाह करता है रोगन बल्सान के हवाला से तो हमें यर्मिया की किताब के अंदर इस टर्म का बार बार इस्तेमाल मिलता है गोया यर्मिया नबूत की राह से यहूदा की सल्तनत को जो नबूक नज़र की असीरी में जा रही है उनको आगा करता है उनके लिए नुहा भी करता है उनके लिए मातम भी करता है उसका दिल भी दुखता है और नबोत की राह से उनको गाइड भी करता है और उनकी अदालत के हवाला से उनकी बहाली के हवाला से और फिर दुनिया की एटर्नल रेस्टोरेशन के हवाला से निजात के हवाला से भी बेशुमार प्रोफिस यहाँ करता है और जब रोगन बिल्सान की बात करते हैं तो रोगन बिल्सान के हवाला से जो रूहानी टर्म पासोसाइमन बिलीवर्स जो यर्मिया इस्तेमाल करता है ये बहुत नहायत गहरे जो मानी इसके अंदर पिन्हा है क्योंकि यह हवा यर्मिया के जरिए से जलाद के इस बिल्सान की बाबत बात करता है क्या जलाद में रोगन बिल्सान नहीं तो रोगन बिल्सान के हवाला से हमें पता होना चाहिए कि ये जो बिलसान का ट्री है जलाद के इलाका के अंदर जो जॉर्डन के परे जो मगरबी जो पहाड़ी सिलसिले के अंदर जो दरख्त इसराइल में पाया जाता है तो जलाद के अंदर रोगन बल्सान का जो प्लांट है, रोगन बल्सान का इस्तेमाल जिससे वो बाम बनाते यानी रोगन बिलसान और उसका इस्तेमाल हीलिंग के लिए इस्तेमाल होता बदन के कटे फटे जो अज़ा होते उन टिश्यूज को ठीक करने के लिए हीलिंग के लिए बॉडी के लिए इस्तेमाल किया जाता और दूसरे मुल्कों को ये एक्सपोर्ट किया जाता था जैसा कि हमें जेनेसिस थर्टी सेवन चैप्टर के अंदर हमें मिलता है जब यूसुफ को उन सौदागरों के हाथ में बेचा गया तो वो अपना सामान मसाला जात मिस्र को ले जा रहे थे तो उसमें मुर के मसाला जात इसके अलावा वो रोगने बिलसान लेकर जा रहे थे गोया जलाल से ये रोगने बिलसान मिस्र को ले जाया जा रहा था इसी तरह दूसरी कंट्रीज के अंदर ये जलाद का रोगने बलसान जो शिफा के लिए होता यह जाता तो इस मानी के लिहाज से क्योंकि यह हीलिंग के लिए यूज होता और ये प्लान इसराइल के अंदर पाया जाता जिससे लोग जिसमानी शिफा हासिल करते और मुल्कों के अंदर इस बाम का इस्तेमाल होता तो रोगन बिलसान चूँकि हर कोई वाकिफ था कि उनकी बदन के लिए शिफा है और लोग इसका इस्तेमाल करते और नहाय कीमती होता जब यर्मिया बन इसराइल को शाह यहूदा को और यहूदा की सारी किंगडम और लोगों को ये बात सिखाता है कि वो किस तरीके से बीमारी के अंदर है यानी रूहानी तौर तो पर किस तरह वो खुदा से दूर है और किस तरह उनको शिफा की जरूरत है इसी टर्म के अंदर यानी ने बिल्सान के मानी के अंदर इसका इस्तेमाल करता है और जब अदालत की बात करता है तो ये नबूत नजर की असीरी की बात करता है और जब बहाली की बात करता है तो साथ ही साथ अब्दी बहाली की बात करता है जिसमें कौम और गैर कौमें जो दोनों ही वकूक के अंदर बहाली में आती है और कलीसिया जो कौम गैर कौम में से निकली ये प्रोसेस यर्मिया करता है मगर कौम को ये बिल्सान के हवाला से तालीम देता है ताकि नबूत की राह से बिलसान के मानी के अंदर वो हीलिंग को अपनी बहाली को समझ जाएं कि खुदा क्या चाहता है कि रोगने बिलसान को लिया जाए तो रोगने बिल्सान जब यह जिसमानी शिफा के लिए यह मरम का का काम करता तो बिल्सान के ट्री से जो ये बिल्सान का मरम ऑइंटमेंट बनता तो इससे हीलिंग बकू के अंदर आती तो यर्मिया आठवें बाप के अंदर यर्मिया शायद यहूदा की सारी किंगडम और यहूदा की सारी नस्ल जो गुनाह में पड़ गई थी उनके हवाला से वो रोता है क्या जलाद में रोगने बिलसान नहीं तो मेरी बिन्नत कौम क्यों शिफा नहीं पाती क्या वहां कोई तबीब नहीं है तो जब ये रोगने बिलसान के मानी के अंदर बात कर रहा है तो गोया ये बता रहा है क्या जलाद में क्या बनी साहिल के अंदर क्या यहूदा की सल्तनत के अंदर यह हवा खुदा का रूल नहीं है वो जब मौजूद है शरीय दी है जो इंसान को बहाल करती हैं इंसान को ज़िंदगी अता करती हैं तो क्या वहाँ कोई तबीयत नहीं है तो मेरी बिनत कौम क्यों शिफा नहीं पाती जबकि जलाद के अंदर रोगन बलसान मौजूद है और वो कहता है मैं कुरता हूँ मेरा दिल सुस्त हो गया है गर्मी के तमाम आयाम गुजर गए हैं फसल काटने का वक्त जाता रहा है मगर मेरी कौम ने बिन्नत कौम ने रिहाई नहीं पाई यानी मौसम बदलते चले जा रहे हैं और कौम को नबूवत पे नबूवत सुनाई चली जा रही है मगर कौम खुदा की तरफ नहीं आ रही यानी फसल काटने के अयाम गुजर गए हैं और गर्मी के अयाम खत्म हो गए हैं ये मौसम बदल गए हैं कटाई का मौसम बदल गया है ये दिन गुजर गए हैं मगर बिन्नत कौम रिहाई नहीं पाती ये गुलामी के अंदर है बीमारी के अंदर है ये बीमारियों के अंदर है के अंदर है यहाँ तक के ये असीरी में जाने के लिए ये कौम तैयार खड़ी है और उसने नबूक नजर को तैयार कर रखा है ये कौम असीरी में जाए यर्मिया जो रोता है कुटता है और उसका दिल सुस्त होता है वो गम खाता है और कहता है कि काश मेरी आंखें चश्मे होती और मैं शब और रोज इसराइल के मकतूलों के लिए आंसू भाता रहता और मैं बियाबान में चला जाता कबूतर की तरह वो कुटता रहता है कि मेरी कौम क्यों शिफा नहीं पाती और वो ये भी कहता है नबूत की राह से कि मेरी कौम की रोने की आवाज दूर के मुल्क से उसको सुनाई देती है यानी नबूत की राह से वो जानता है कि ये बिनत कौम गुनाह की वजह से ये नबूत नजर की असीरी में बाबल में जाएगी जहां पर इनको अंदराइन का पानी पीना पड़ेगा जहां पर ये मुश्किल में दुख में जिंदगी बसर करेंगे और वो इनके ऊपर बंधन डालेगा जुए डालेगा इनसे मुशक्कत लेगा सख्ती करेगा तो वो कहता है कि बिनत कौम की आवाज़ दूर के मुल्क से ये रोने की आवाज़ मुझे सुनाई देती है नबी भी सूंग लेते हैं नबी जान लेते हैं कि जो कोई खुदा के साथ नहीं चलता उनका अंजाम क्या होता है जैसे आज भी खुदा के लोग जो कलाम से वाकिफ होते हैं वो लोगों की ज़िंदगियों को देखते हुए बता देते हैं कि ये खुदा से कितना दूर है और इनकी जिंदगी के अंदर वाकया तो हो सकते हैं मगर लोग इस बात को नहीं समझते और खादों की बात पे जो कलाम के मुताबिक होती है तब जो नहीं देते तो यदिया है काश आज भी ऐसे खादम और देखे किस तरह गुनाह के अंदर जा रही है और क्लिस से लोग किस तरीके से रुख मोड़ते हैं नीम गर्म हालत के अंदर है खुदाम को प्यार नहीं करते उसके कलाम के शिन नहीं होते रिफाकत नहीं रखते तो वो कहता है दूर के मुल्क से यानी बाबल से रोने की आवाज आती है यानी उनकी जजमेंट के हवाला से बयान करता है फिर उनकी बहाली हवाला से भी खुदा को बताता है और फिर उनकी एटर्नल जिसमें कौम गैर कौमे यानि कली से के अंदर आई ये सारी नबूबते मिया करता है पर रोगन बिलसान की जो टर्म जो आज के सबन टीचिंग के अंदर बताई जाएगी ये अहम मानी उस वक्त कोई जलाद के अंदर यानी जलाद में रोगन बिलसान यानी बलसान कटरी ये मरम ये ऑइंटमेंट, ये रोगन जिस तरह शिफा के लिए इस्तेमाल होता तो खुदा जर्म्य की माफत कौम को यह पैगाम देता है कि वो इस हीलिंग, इस रोगान के मानी के अंदर यह हवा को जान जाए कि क्या सऊन में कोई खुदा नहीं क्या सऊ में कोई बादशाह नहीं है फिर क्यों मेरी बिन्नत कौम असीरी में जा रही है क्यों ये शिफा नहीं पाती क्यों ये मुश्किल के अंदर तुषार है और जब आप अहबार की किताब में पास बिलीवर्स पढ़ते हैं तो लिखा है जब कौम को कहा गया कि अगर वो मेरे हुक्मों पर अमल करेंगे तो बरकत पाएंगे और अगर वो गुनाह करेंगे तो वो अदालत करेगा अगर एक जगह से खुदा उनको बचाता है और वो बाज नहीं आते तो फिर सेवन टाइम उनके ऊपर ये जजमेंट आती है जिस तरह न्यू टेस्टमेंट के अंदर एक बदरू किसी में से निकलती है और वो फिर बाज नहीं आता तो सेवन टाइम वो डीमंस उसके अंदर आती हैं तो ये कर्ज है ये जजमेंट है उस शख्स की और कौम के जजमेंट इसी असूल से दी गई है जो इस टीचिंग के अंदर हम समझ पाएंगे पहली दफा उनकी अदालत की और वो बाज नहीं आते तो फिर सेवन टाइम जजमेंट करता है सात गुना जजमेंट लेने के बाद भी बाज नहीं आते तो फिर फोर्टीन टाइम उनके ऊपर अदालत होती है और मुश्किल हालात के अंदर जाते हैं फोर्टीन टाइम के ऊपर भी बाज ना नाए तो फिर ट्वेंटी वन टाइम और उनके ऊपर मसाइब मुश्किलें काल वबा ये चीजें आती हैं और अगर वो फिर बुद्ध प्रस्ती और गुनाह की तरफ और बालीम की प्रस्तृष बुतों की प्रस्तृष जारी रखेंगे तो लिखा है कि फिर खुदा उनको असीरी के अंदर गुलामी के अंदर लेके जाएगा तो जब अब कौम असीरी में जा रही है तो इसका मतलब है कि उनकी जजमेंट का जो अरूज है यानी खुदा ने उनकी बहुत बर्दाश्त की और उनकी बदी का शोर खुदा के कानों तक पहुंचा है जिस तरह कैन ने 400 साल जो गुनाह किया और उनके गुनाह की आवाज खुदा के कानों तक पहुंची तो खुदा ने उनको निकाल मिस्र से फिर बनी इसराइल को निकालकर वहां ले गया अब बनी इसराइल जो यरूशलेम के अंदर है यहूदा की सल्तनत के अंदर है इनकी असीरी का जब वक्त है तो इनको मौके दिए गए और उन्होंने जो जजमेंट उठाई जो वन टाइम जजमेंट था फिर सेवन टाइम फिर फोर्टीन टाइम फिर ट्वेंटी वन टाइम ये रोज बरोज मुश्किलों के अंदर दुखों के अंदर पढ़ते चले गए जो खुदा से दूर होते हैं उसके हुक्मों को नहीं मानते उनका सिलसिला इसी असूल से चलता है और आखिरकार फिर वो असीरी के अंदर गुलामी के अंदर चले जाते हैं तो पास उमन बिलीवर्स बनी इसराइल और शायद यहूदा की ये सल्तनत ये सारे बादशाह जो ज्यादातर गुनाह के अंदर थे और कौम बालीम की प्रस्तुति करती थी प्रस्तुत करती थी पर हाँ चाहते थे और यदिया कहता है कि मेरे लोगों ने दो बुरा की हैं खुदा यदिया के जरिए से बताता है कि मुझे आब हयात के चश्मा को तरह किया और दूसरी बात आपने लिए टूटे फूटे हौज जो है इन्होंने खोदे हैं जिनमें पानी समा नहीं सकता तो ये जो गुनाह उनकी जिंदगी के अंदर था जिंदगी के उस पानी को अब हयात के चश्मा को उस जिंदगी को जो खुदा से मिलती है इन्होंने रद्द कर दिया खुदा से दूर हट गए टूटे हौज यानी बुद्ध प्रस्ती गैर कौमों के देवताओं की प्रस्तृष करने लगे जिसकी वजह से ये वन टाइम सेवन टाइम ट्वेंटी वन टाइम और फिर ये मुश्किलात ही में पड़ते चले गए और फिर भी यर्मिया की बार बार नबूत के बावजूद भी ये बाज नहीं आते खुदा ने फिर उनको असीरी के अंदर भेजने के लिए यर्मिया के जरिए से नबूत कराई के शमाल से एक कौम आती है यानी बाबल से नबूक नजर आकर इनको असीर करके ले जाएगा तो भी ये यकीन नहीं करते और यर्मिया को कहते हैं कि यर्मिया झूठ बोल रहा है यानी यर्मिया की नबूत झूठी है हम असीरी में नहीं जाएंगे और झूठे नबी भी उठकर यर्मिया के खिलाफ हो जाते और यर्मिया को यह कहते कि ऐसा ये हरगिज नहीं होने का बल्कि हम तो बिल्कुल ठीक रहेंगे जबकि ये असीरी की हालत में आ गए हैं यानी इन्होंने सख्त खुदा का गुनाह किया है खुदा से दूरी इख्तियार की है बादशाहों ने दूरी इख्तियार की है गुलामी के अंदर ले गए उनके ऊपर बंधन डाले उनके ऊपर जुल्म किया खुदा के सब्तों को ईदों को नहीं मनाते थे उसके अहकाम को नहीं मनाते थे और हैकल के अंदर ये वर्षिप करते थे और इनके हवाला से जो यर्मिया कहता है कि तुम लोगों ने खुदा की हैकल को डाकुओं की खो बनाया हुआ है जिस तरह डाकू अपने आप को सेव रखने के लिए गारों के अंदर छिप जाते इसी तरह बनी यहूदा के लोग गुनाह करते और हैकल में आकर ये खो के माने के अंदर कि वो अपने आप को सेफ समझते हालांकि इनके अंदर हर तरह की बुराई और बदी और बुतप्रस्ती पाई जाती थी और हैकल को ये अपने लिए इस तरह लेते थे गोया इनके पास एक बड़ी हैकल है शरीयत है और यर मिया कहता है कि सहब फेम अपनी हमत के ऊपर फखर ना करे और ना कभी अपनी कुवत के ऊपर फखर करे ना दौलतमंद अपनी दौलत के ऊपर फखर करे तो ये अपनी हिकमत जो इन्होंने अपनी बनाई हुई थी खुदा की शरीयत है काम के ऊपर अमल नहीं करते थे और अपनी वेल्थ के ऊपर दौलत के ऊपर जो खुदा ने इनको बरकत नहीं दी ये गैर कौमों के देवताओं कि प्रसिष्ठ करके ये दौलत को हासिल करना चाहते थे और अपनी कुवत अपना जोर भी उन्हीं से मांगते थे और यर्मिया कहता है सैब हिकमत अपनी हिकमत पे फखर ना करे और ना ही कभी अपनी कुवत के ऊपर और ना ही दौलतमंद अपनी दौलत पर जो फख्र करे इस बात पे फख्र करे कि वो मुझे जानता है पर वो खुदा को नहीं जानते थे गुनाह पे गुनाह करते चले गए आज भी दुनिया कलिसियाओं के अंदर नीम गर्म हालत के अंदर लोग पाए जाते हैं और खुदा की बंदगी लायक तरीके से नहीं करते और अपनी हिकमत अपना फलसफा अपना जोर अपने रुपए पैसे के ऊपर फकर इसके हवाला से चलने चाहते हैं और बनी इसराइल यही कर रही थी और उन्होंने खुदा की हजूरी से अपने आप को दूर किया और खुदा ने भी फिर उनको नबू कर नजर की असीरी में ले गया और उनके लिए वो मौजूद था उसका कानून मौजूद था लॉ मौजूद था नबी नबूत कर रहे थे बादशाह उनको दिए गए हर तरह की बरकत थी तो उन्होंने बरकत को ठुकराया नबियों को ठुकराया खुदा के अकाम मानने से इनकार किया तो यर्मिया रोगने की इस टर्म में उनको कहता है कि क्या जलाद में रोगने बिलसान नहीं जब रोगने बिल्सान है तो फिर क्यों हीलिंग नहीं यानी जब यह हवा मौजूद है अपनी कौम के अंदर उसके अहकाम मौजूद है तो फिर क्यों बिन्नत कौम शिफा नहीं पाती वो रोता है काश मेरी आंखें चश्मे होती तब रोज अपने लोगों के लिए मातम करता मकतूलों के ऊपर क्योंकि वो एक बड़ी असीरी देख रहा था कौम के लिए रो रहा था क्या क्या सिंह में खुदाम नहीं है क्या सियम में कोई बादशाह नहीं है आयाम गुजर गए फसल काटने के और तमाम गर्मी के याम भी गुजर गए मौसम पे मौसम गुजरता चला जा रहा है दिन दिन पे गुजरता चले गए साल बसाल ये कौम रिहाई नहीं पा रही ये गुलामी की तरफ बल्कि असीरी के अंदर ये जा रही है यानी यह खुदा पलट नहीं रही तो ये रोगने बिल्सान्तेमाल की, की गई है इसके अंदर जो बताना चाहता है कि क्या जलाद में रोगने बिल्सान नहीं तो रोगने बिल्सान उस वक्त यह उनकी हीलिंग था वो मौजूद था उन्होंने उस रोगने बिल्सान यानी यह को छोड़ दिया उस मरहम को उस अंटमेंट को उस हीलिंग को जो यवा से मिलती है जिससे उनकी बहाली जिनसे उनकी ताजगी उसको छोड़ दिया तो यहां उनको रो रो कर कहता है कि क्या जलाद में बिल्सान नहीं क्या जलाद में रोगने बिलसान नहीं तो मेरी बिनत कौम क्यों शिफा नहीं पाती क्यों हीलिंग नहीं हो रही जबकि यह मौजूद है और आज भी खुदा का बेटा तो डिवाइन बार है ऐसा का ट्री है ऐसी है जिसने अपने लहू से हमें शिफा बख्शी है जिसका कलाम हमें हील करता है जिसकी जात हमें जिंदगी अता करती है और अगर आज भी ये जब मौजूद है तो फिर क्यों लोग शिफा नहीं पाते क्यों लोग बरकत नहीं पाते क्यों रिस्टोर नहीं होते तो रोगान के अंदर जो गहरे मानी छिपे हैं ये खुदा की हीलिंग का बयान हो रहा है कि वो मौजूद है पर कौम इसलिए शिफा नहीं पाती इसलिए बहाल नहीं होती इसलिए रिहाई नहीं पाती इसलिए मौसम गुजर गया है फसल कटाई का मौसम गुजर गया है खुदा ने जो मौका दिया था वो भी गुजर गया है पर ये रिहाई इसलिए नहीं पा रहे क्योंकि ये उस बिल्सान की तरफ आ नहीं रहे यह हवा को रद्द कर दिया है अब हयात के चश्मा को रद्द कर दिया है और खुदा ने उनको समझाया कि जिस तरह कमर बंद कमर से बंधा रहता है मैं चाह कि मेरे लोग मुझसे लिपटे रहे मेरी इबादत करें मेरी प्रस्तृत करें मेरे लोग हों पर ये नकारा कमर बंद की माने दो गया है जो अब किसी काम का नहीं रहा तो खुदा ने उनको परागंदा कर दिया असीरी में बेच दिया तो रोगने रोग के मानिक के अंदर यहवा की उस हीलिंग है डिवाइन रेस्टोरेशन है जो वो जिंदगी बहाली कौम को देना चाहता था उनको अपनी बादशाही देना चाहता था अपनी बरकते देना चाहता तो उन्होंने नहीं ली और यदमिया उनको जजमेंट का आगाह भी करता है और साथ रोता भी है कि ये कौम रोगन बिल्सान यानी और उसकी तालीम की तरफ नहीं आ रही जबकि वो सयून में मौजूद है उसकी प्रेजेंस मौजूद है वो हीलिंग देने के लिए बहाली देने के लिए तैयार है पर कौम शिफा नहीं पा रही तो रोगने बिलसान, बिलसान का रोगन ये अवैंटमेंट जो यहाबा की प्रेजेंस को उस वक्त और आज क्राइज के हवाला से बयान करती है उसके लहू से उसके कलाम से ये जजमेंट का बयान करता है यर्मिया तो उनकी रेस्टोरेशन का भी बयान करता है उसके साथ ही कौम और में जो पा जाते हैं उसके हवाला से मैं बात करना चाहूंगा ये भी की। से कहता है कि बेफायदा तरह तरह की दुआएं इस्तेमाल करते शिफा नहीं पाएगी इसके ऊपर बिलीवर्स जग मिया इसके ऊपर कुर्ता रहा आंसू बहाता रहा रोता रहा कि मेरी बिन्नत कौम शिफा क्यों नहीं पाती और एक तो ये इस मर्ज में मुबतला होगी कि असिरी में जाने लगी है क्योंकि अदालत जो असीरी की होती जैसे मैंने अहबार की किताब में का हवाला दिया कि ये वन टाइम सेवन टाइम फोर्टीन टाइम ट्वेंटी वन टाइम फिर आखिरकार ये जब और खुदा इनको मुश्किल में डालना चाहता है यानी ये आना ही नहीं चाहते इतनी सजाएं पाने के बावजूद भी इस कौम ने खुदा को नाराज किया तो फिर वो गैर कौमों के हाथ कर देता है कि असीरी में जाए काल वबा की सजा पाए तो जब ये हालत भी उनकी आ गई जब या ये कहता है कि रोगान मौजूद है क्यों नहीं पाती। एक तो पा नहीं रही थी और अब यह शिफाप पाना भी चाहती है तो आप पास साहब इसमें बेसुने कि ये और गैर बहबूदों की तरफ जा रही है यानी और जगह से अपनी बहाली और सियासी तौर पर यह दूसरी कंट्री से अपनी हीलिंग ले रही थी यानी अपने आप को बचाना चाहती थी कि यहवा के ऊपर आस नहीं कि वो हमें बचाएगा नजर से गैर कौमों से शैतान से बीमारियों से दुखों से बल्कि इन्होंने अपने अंदर ठहरा लिया कि ये नबुगत नजर का मुकाबला करेंगे जो इनको सीर करने के लिए आ रहा है उसके लिए ये मिसर से मदद मांगते और फिर ये कहता है दुख से मिसर जलाद को जा, फिर ये मशवरा दे रहा है कि जलाहाद के अंदर ही तेरी बहाली है रोगने बिल्सान वहां से ही तुझे मिलेगा यानी यह ही तुझे बचाएगा दिहाई देगा मगर ये कौम बिल्कुल ध्यान नहीं देती और मिसर से अपनी मदद को मांगती है और आखिर इन्होंने मिसर से मदद मांगी और ये यरूशलेम के मदद के लिए मिसर से शायद फिराउन जो है शायद मिसर फिराउन आया ताकि यहूदा की सल्तनत को जो हेल्प कर सके तो जब हेल्प करने के लिए आया तो उधर से नबूक नजर अटैक करना चाहता था यरूशलेम के ऊपर तो जब नबूक नजर ने सुना कि शायद मिस्र जो फिराउन इनकी मदद को आ रहा है तो शायद डर के भाग गया यानी वापस चला गया मगर यह तो खुदा की तरफ से खुदा उसको ला रहा है यरूशलेम की बर्बादी के लिए असीरी के लिए मगर यह अपनी मदद ये मांग रहे हैं फिराउन से तो ये वक्ती तौर पर वो वापस चला गया तो मिसर के शायद फिराउन ने समझा कि ये तो नबूत नजर भाग गया है डर गया है पर खुदा मौका दे रहा था बनी साइल को समझाना चाहता था सितके बादशाह को समझाना चाहता था कि वो वापस आ जाए उससे कॉविडेंट बांधे जा रहे हैं कि अगर तू बेहूर ठीक तरीके से चले और अपने लोगों से गुलामी ना कराए गुनाह ना करे तो मैं यरुशलम को बचा लूंगा यरुशलम को बुक नजी सीरी में जाने नहीं दूंगा यानी वो वापस चला गया है ये वापस जा सकता है मगर बनी इसराइल शायद जुता की सत जो है वो अब फख्र करने लगी कि मिसर ही उनको बचाएगा तो फिर जब ये मिसर आता है बचाने के लिए तो इनके इस शेखी की वजह से ये अपने अंदर अब ये इन्होंने ठहरा लिया था कि शायद ही इनको बचाएगा और फिर खुदा ने इनको बताया कि मैं मिसर को भी नबू नजर के हाथ में दे दूंगा सिद्ध के बादशाह रेस्ट हो जाता जो लास्ट किंग था उसकी आंखें निकाल दी जाती उसके बच्चों को कत्ल किया जाता है जंजीरें डालकर कौम को ले जाते हैं और यदमिया को भी जब वो जाने लगे तो जो नबोजार नबूकत नजर का लश्करों का सरदार था उसको पता चला गया जरमिया को भी ले जा रहे हैं, तो को रिहाई दी और जब यरमिया को रिहाई दी तो नबूकत नजर ने उस वक्त फिर बादशाह की जगह फिर एक गवर्नर जदलिया मकर किया ताकि वो येम की छह हफाजत करे और यर्मिया वहां उसके पास रहे तो आखिर जब वहां गवर्नर जदलिया रहने लगा तो फिर इस्माइल एक शख्स की सल्तनत से आया और उसने आकर जदलिया को कत्ल किया और फिर जुहनान नाम का जो था शख्स वो वहां पर रह गया ये कहा कि यहां तो जदलिया भी कत्ल हो गया है हम थोड़े से ही लोग रह गए हैं और को उसने कहा कि यरमिया तो खुदा से हमारे लिए दुआ कर कि अब हम क्या करें नबो का कर नजर तो सीकार के कौम को ले गया है और जब गवर्नर मकर किया वो भी कत्ल हो गया है अब हम क्या करें खुदा से पूछ तो खुदा ने युहनान को यरमिया के जरिए से कहा कि तुम इस मुल्क के अंदर यरूशलेम के अंदर रहो मैं तुमको बचाऊंगा नबूगत नजर असीर करके तुम्हें नहीं ले जाएगा तुम कहीं इधर उधर कौमों में ना जाना हालांकि उस वक्त नबूगत नजर की असीर से डर के कई लोग और मुल्कों के अंदर प्रगंदा हो गए जिसकी वजह से उन कौमों की भी अदालत खुदा ने की कि जहां जहां इसराइली जाएंगे मैं उन कौमों को वहां वहां उन कौमों को भी सजा दूंगा तो अब ये जब यर्मिया से कह रहे हैं कि तू बता दो यर्मिया ने बात बता दी कि खुदा चाहता है तुम यरुश में, में रहो ताकि रोगने में इस्तेमाल करो यानी हवा की इबादत करो, यहवा की करो। तो ये हवा की तरफ दे रहे थे और जो यर्मिया फिर फिर गाइड करता है कि दुख से मिस्र जलाट को जा मिस्र की मदद ना मांग मिस्र तुझे नहीं बचाएगा तू बेफायदा तरह तरह की दवाई इस्तेमाल करती है तो ये मेडिसन में ही में यर्म की किताब के अंदर ये रेस्टोरेशन का हीलिंग का जो हमें तालीम मिलती है होल बाइबल के अंदर ये ऑइंटमेंट जो रोगने बिल्सान है इसने यहावा ने अपने आप को इससे रिलेट करके कौम को समझाया जो आज रूहानी तौर पर हम क्राइस्ट और उसके ब्लड उसके कलाम को अपनी जिंदगी में हीलिंग से लेते हैं मगर कौम ने उस वक्त मिस्र के अंदर उसने जाना पसंद किया और यह को कहा तू गलत नबूत करता है हम तेरी नहीं मानेंगे और ये यर्मिया को भी साथ ले जाकर ये मिस्र चले जाते हैं वहां ये खुशहाल समझते हैं कि हम रहेंगे और खुदा ने वहां पर जरमिया के जरिए से कहा इनको कह दे कि नबूक नजर यहां भी आएगा यहां पर दो पत्थर ले उनके ऊपर एक तख्ता लगा और इनको बता दे कि नबूक नजर यहां आके अपना क्लीन बचाएगा तख्त लगाएगा और मिस्र को ऐसे लपेट लेगा तरह चरवाहा कपड़े को लपेट लेता है और ऐसा ही हुआ कि नबूगत नजर फिर आया और फिर तमाम मिस्र को से बर्बाद किया इसराइल भी वहां पर बर्बाद हुए तो पहले ही नबी ने कह दिया था दुख से मिस्र जलाद को जा तो क्यों बेफायदा तरह तरह की दुआ इस्तेमाल करती है जब जलाद में रोकने बलसान है यानी यह हवा जो चश्मे श्लोक है वो ऐसा वो पानी है वो हमारा रोकने बिल्सान है वो बिलसान ट्री है वो जिंदगी देने वाला है वो मौजूद है कौमे जिसमानी तौर पर हीलिंग के लिए वो जलाद का इस्तेमाल करती है तो तू क्यों रूहानी तौर पर अपनी रिहाई के लिए मिसर से मदद मांगती है मिसर तो लोग ने बिरसान को लेता है तो इस डेप्थ के अंदर उनको समझाया जा रहा है कि तू बेफायदा तरह तरह की दुआएं इस्तेमाल करती है तू शिफा नहीं पाएगी यानी तू मिस्र से मदद मांग या मुआब से या अमून से या फलस्तीन से किसी भी मुल्क से मदद मांगेगी तू शिफा रिहाई नहीं पाएगी रिहाई देने वाला यह हुआ है जिससे तुम्हें मिस्र से निकाला और मुल्क के कनान में यहां आके बसाया लॉ दिया हैकल दी दि, है अपनी बरकतें तुम पे बरसाई उसको छोड़कर तुम अगर और जगह से अपनी बहाली रेस्टोरेशन बरकत मांगते हो मेडिसन मांगते हो यानी रोग ने की तरह और कोई मेडिसन इस्तेमाल करते हो यानी रूहानी मानी मदद के रूहानी मानी रेस्टोरेशन के रूहानी मानी हिफाजत के तुम्हारी हिफाजत और मुल्कों में नहीं है तुम्हारी हिफाजत यह मुल्क जो दिया है जहां मैंने हैकल को रखा है जहां अपनी हजूरी को रखा है जहां मैंने अहकाम मैं रोगने हूं तो कहता है कि मेरी बिनत कौम क्यों नहीं शिफा पाती क्यों ये तरह तरह की बेफायदा दुआएं इस्तेमाल करती है यह शिफा नहीं पाएगी और आज भी लोग मसीह से जो दूर है और तरह तरह की जसमानी दुआओं के ऊपर इनासार करती है मेडिकली हमें मना तो नहीं है पर अगर कोई खुदा को छोड़कर सिर्फ मेडिसन के ऊपर वो भरोसा करता है कोई शिफा नहीं पा सकता शिफा यसु के खून से यसु मसीह के नाम से हमें शिफा मिलती है और फिर उनकी जजमेंट और उनकी रेस्टोरेशन के हवाला से यर्मिया बयान करता है कि जब वो अदालत करेगा बड़ी इसराइल की फिर उनको रिहाई वही देगा तुम्हें बेफायदा तरह तरह की दुआओं से हीलिंग नहीं होगी रिस्टोर भी खुदाद ही करेगा और खुदाम से भी उनको बचाया और फिर साथ एक अहद बांधा जो की किताब के अंदर है कि मैं अब एक नया अहद अहद तुमसे बांधूंगा पुराना जो मिस्र से निकलते वक्त होरब में बांधा था वो अहद तो तुम्हारे बाप दादा उस पर ईमान नहीं लाए पर अब मैं नया अहद बांधूंगा और वो नया अहद इब्राहियम आदम बाप के अंदर पालूस उसका कर जिक्र करता है और यमिया का हवाला देकर कि अब ये अहकाम तुम्हारे दिलों के ऊपर जेनों के ऊपर नक्श करूंगा यानी अब ये तख्तियों के ऊपर नहीं उनको बनील ने रद्द कर दिया अब हर एक के दिल के ऊपर हर एक के जेन के ऊपर यानी मसीह के कफारा से मसीह के खून से अब हमें मखल से मिल गई है और हम रिहाई पा गए हैं यानी ये रोगन बलसान खुदा का बेटा ये न्यू कोविडेंट उसका नए अहद का खून ये रोगन बिलसान ये ऑइन पेंट ये मरम हमारी आंखों पे लगा दी गई है हमारी जिंदगियों के अंदर आ गई है तारीखी दूर कर दी गई है तो ये जो कोबिनेट बांधा गया है यर्मिया ने पहले ही एटर्नल रिटेम्सन यानी उनकी भी रिहाई और आज गैरकौम की रिहाई जिससे कलिसिया वकूक के अंदर आई है यर्मिया ने बता दिया मगर उनको ये बता दिया ए दुखते मिसर जराद को चढ़ जा रोग ने बिलसार ले तो बेफायदा तरह तरह की दवा इस्तेमाल करती है शिफा नहीं पाएगी लिहाजा किसी कौम से उनको शिफा नहीं मिली बल्कि वो असीर हुए और जहां जहां ये गए वो भी लोग बर्बाद हुए वो भी बर्बाद हुई और आज तक ये बेशक प्य आजाद है पर तो भी अबलीस की गुलामी के अंदर है आजादी रोगा से है और उसके बेटे वसीला से है जिसे न्यू कॉन्विनेंट बांधा और जैमिया ने पहले ही ये बता दिया था और हजार के हवाला से सादक शाह के हवाला से भी

और इसराइल का रोगन बलसान ना लेना और अदालत और आज जो मसीह की नहीं लेते उनकी अदालत और यसु मसीह के लहू से दिलाई यानी आज जो रोगन बिल्सान है खुदा का बेटा जिस तरह बाब यहाबा जिला रोगन बिल्सान आज इसी तरह यसु मसीह खुदा का बेटा दुनिया के लिए रोगने बिलसान के तौर पर भेज दिया गया है और क्रिसियाओं के अंदर ये बाम ट्री मौजूद है ये ऑइंटमेंट मौजूद है और यरूशलेम के अंदर भी आकर यसु मसीह ने लोगों को शिफा देना शुरू की बहाल उनको करना शुरू किया घर घर डोर टू डोर सिटी टू सिटी गया ताकि उन परागंदा भेड़ों को जो पहाड़ों के ऊपर परागंदा है आवारा है और मार खा रही हैं, फाड़ी जा रही हैं, उनको ढूंढता फिरा और उनको कंधों के ऊपर बैठाकर, उनको हील करता रहा उनको निजात और शिफा देता रहा और बाइबल मुकदस के अंदर हम जब क्राइस के हवाला से पढ़ते हैं तो एक औरत जो बारह बरस से जो खून के बीमारी के अंदर थी वो तरह तरह की दुआएं इस्तेमाल करती थी यानी जिस तरह कौम बेफायदा तरह तरह की दुआएं इस्तेमाल करी थी इसी तरह इंफरादी तौर पर भी लोग बीमार थे कोड़ी थे अंधे थे लंगड़े थे बहरे थे गुनाह के अंदर थे मफलूज थे यरूशलेम बीमारियों से भरा हुआ था और कोड़ का मर्ज भी यरूशलेम के अंदर यरूशलेम से बाहर खैमों के अंदर यरूशलेम के लोग कोड़ियों की हैसियत से कॉलोनीज उनकी बनी हुई थी यानी इस कदर इबलीस ने खुदा से दूर करके उनको बीमारियों के अंदर मारा गुनाह के अंदर और बदरूहों के अंदर क्योंकि अहबार की किताब के अंदर सैमन ब्लीवर जो बात बताई जा रही है कि टाइम तो रिस्टोर करके मिलाया, अपना बेटा भेजा ताकि अब ये फिर रिस्टोर हो जाए बहाल हो जाए नजात पा जाए और उनकी बदरूहे निकालने लगा किसी के अंदर सात गुना थी जैसे मरियम मकदलिनी के अंदर सात बदरूहें थी इसका मतलब है उसने एक मौका गमाया और उसको मौका मिला के वो खुदा की हजूरी में आए पर उसे मौका जब गमाया तो सात बुरी रूहें और मरियम मकदलिनी के अंदर आई पर मरियम मकदलिनी ने उसको फोर्टीन के ऊपर नहीं लेके गई वो फौरन जब मसीह को उसने देख लिया मसीह के पास आई माफी मांगी और वो बदरूहे उसमें से निकल गई और वह मसीह की फॉलोअर बन गई और जब यह सुनसि मुर्दों में से जी उठा तो मरियम मकदलिनी हमें कबर पर दिखती है तो ये मोजाद जो हुए हैं खुदा का बेटा जो रोगने बिल्सान जो बाम ट्री यरूशलेम में यहबा ने भेजा ताकि कौम रिस्टोर हो जाए शिफा पा जाए तो बाद शिफा पाते थे और फिर एक औरत ऐसी आई जो 12 बरस से खून के अंदर मुबतला थी और बिलीवर्स बाइबल में, में लिखा है कि वो तरह तरह की दवाएं इस्तेमाल करती थी जिस तरह कौम तरह तरह की दवाएं इस्तेमाल करती यानी गैर कौमों और उनके मबूदों से मदद लेती थी तो ये तरह तरह की दवाओं से बताया गया अब ये तरह तरह की दवाएं गुना भी उस औरत में पाए जाते हैं और वो शिफा नहीं पा रही तो तरह तरह की दवाएं उसने इस्तेमाल की बहुत हकीमों से उसने अपना इलाज करवाया तो किसी तरह उसको हीलिंग नहीं हुई थी जिस तरह मरियमी के अंदर सात दिन मन आ चुकी थी ये जजमेंट के तरीके हैं और ये जब तरह तरह की दुआएं इस्तेमाल कर रही है तो ये कौम बनी इसराइल की तरह ये यहूदा की सल्तनत की तरह ये बारह बरस से जो औरत बीमारियों के अंदर है तो इसका मतलब है कि यहबा की बिल्कुल उसे पहचान नहीं थी शरीय बिल्कुल उसको पहचान नहीं थी उसका माइंड के ऊपर था और हर तरह की मेडिसिन उसने यूज की मगर किसी तरह भी उसकी बदन की हीलिंग नहीं हुई और जब यसुम सी खुदा का बेटा रोग ने यरूशलेम की गलियों में बाजारों में डोर टू डोर मना कर रहा था लोग शिफा पा रहे थे तो इस औरत को भी पता चला कि यसु के पास शिफा है मुझे उससे शिफा मिल सकती है उसके अंदर ये ईमान पैदा हुआ और उसने कहा कि मैं उसकी पोशाक का दामन ही छू लूंगी तो शिफा पा जाऊंगी यानी वो रोगन बिरसान के ऊपर ईमान ले आई और उसने कहा कि मैं इस मरम को छूंगी मैं इस दामन को छूंगी मैं कलाम खुदा को जो बाम ट्री है जो इस दुनिया के अंदर खुदा का बेटा आ गया है हो रहे हैं, मैं तरह तरह की दुआइयों के बजाय मैं मसीह के पास जाऊंगी और वो डरती कांपती भीड़ में से मसीह की पोशाक को दामन को जो ही उसने छुआ तो वो शिवा भागी और क्राइस्ट ने कहा कुवत मुझसे निकली है क्योंकि किसी ने मुझे छुआ है उस औरत ने जो बेफायदा तरह तरह की दुआएं उस यहूदा की की तरह यहूदा के लोगों की तरह उल्टस्मेंट के लोगों की तरह वो इस्तेमाल करती थी शिफा नहीं होती थी आज भी जो बेफायदा तरह तरह की दुआओं के ऊपर सिर्फ इनार है या वो और महबूदों के पीछे जाते हैं या और फलसफे दौलत से अपने लिए इलाज मुहैया करते हैं अपनी रेस्टोरेशन अपनी बहाली अपनी ताजगी खुशी वो कभी बहाल नहीं होंगे कभी शिफा नहीं पाएंगे खुदा का बेटा यरूशलेम में आकर उसने मोजाद करना शुरू किए और अंधे उसके पास आने लगे उनकी आंखों को छूने लगा और ऑइंटमेंट की तरह उनकी आंखों के ऊपर हाथ रखता गोया ये रोगने बिल्सान ये ऑइंटमेंट मरम की तरह अपने हाथ उसकी आंखों पे लगाता तो वो शिफा पा जाती और हम खुदा का कर शुक्र करते खुदा का बेटा मुर्दों को जिंदा करने लगा लगड़े हड्डियों की तरह चौकड़ियां बदने लगे बहरे उनके कान खुल गए गुंगे की जबान गाने लगी बेशुमार मेरे इवन के मुर्दे जिंदा होने लगे यार की बेटी के हाथ को पकड़ा और वो उठ खड़ी हुई तो ये रोगने बिलसान खुदा का बेटा कलाम खुदा उसको छूने से उसके हाथ रखने से लोग शिफा पाने लगे और फिर उसने अपनी जान पर कुर्बान करके जिसाया त्रिप्पण बाप में पहले ही थी के उसके मार खाने से हम शिफा पाएंगे उसने अपनी दी नजात दी और फिर स्लीप पर अपनी जान कुर्बान करके सारी दुनिया को बचा लिया कौन गैर कौम दोनों की सुलह खुदा से करा दी जो कि सुलह बनी इसराल खुदा से यहबा से ना कर सके की किताब यी पढ़ी है खुदा के बेटे ने आके हमारा गैर कौमों का कौम का हाथ खुदा के हाथ में दिया ये रेस्टोरेशन कराई ये रिकॉन्सिलेशन कराई ये बहाली कराई ये सुलह कराई हमारा कफारा दिया अब निजात दी शिफा दी तो ये बरकत हमारी जिंदगी के अंदर आई और फिर लदूकिया के ग्रिसिया के अंदर कहा कि तू अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा यानी ऑइंटमेंट ले ले वो हमारा रोगने बिलसान है वो सुरमा है वो मरम है जो हमारी आंखों को रोशनी देती है यानी कलाम खुदा की तालीम जो रुलकुदस की वसात से आज हमारी जिंदगी के अंदर है हमारी आंखें खुल गई हैं ये ऑइंटमेंट ये रोगन बिलसान ये खुदा का कलाम उसका लहू हमें जिंदगी देता है नजात देता है इससे मुंह मोड़ने वाले ब्लाइंड रहते हैं मुश्किलात के अंदर रहते हैं बीमारियों के अंदर जकड़े रहते हैं जिस तरह ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर यज्ञ की किताब के अंदर वो रोगन बिल्सान की तरफ उनको बुलाता था यानी की तरफ क्या जरा में रोगने बिल्सान नहीं मेरी बिन्नत कौम क्यों शिफा नहीं पाती और आज जब यीशु मसीह यहां कलीसियाओं में मौजूद है उसकी खुशखबरी मौजूद है और पत्रस ने ऐलान किया वाज़े इलान किया, साइमन ज़मीन के ऊपर आसमान तले आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वजी से नजात हो शिफा हो बहाली हो हमारी बहाली रेस्टोरेशन जिस तरह जलाद के अंदर रोगन बिल्सान यानी रूहानी तौर तो पर यह से रिहाई उसी तरह आज दुनिया से रिहाई नहीं मिल सकती ना दुनिया की चीजों से ना दुनिया की दौलत से ना दुनिया की मेडिसिन से ना अपने फलसफे से ना अपनी हिकमत से ना अपनी क़ुवत इख्तियार से सिर्फ यशुम सिंह खुदा का बेटा जो हमारा मीडिएटर है हमारा हाई प्रीस्ट है बाप के दहने हाथ बैठा है मुर्दों में से जी उठा है उसे अपनी जान कुर्बान करके हमारा कफारा दिया है जब मैं उस वक्त कुटता था मेरा दिल सुस्त हो गया वो कुटता रहता है काश मेरी आंखें पानी के चश्मे होते, मैं रोता रहता अपनी कौम को आगाह करता है कि क्या जलाद में नहीं पाती, आज भी ऐसे खादम की तरह रोने वाले खुदा के खादि हो उन जिंदगियों के लिए रोए उनको आगाह करें जब यसुम सि खुदा का बेटा कलिस में मौजूद है दुनिया में मौजूद है और कोई नाम बचा नहीं सकता और कोई नाम रिहाई दे नहीं सकता साल पे साल गुजरते चले जाते हैं फसल काटने के अयाम गुजर गए गर्मी गुजर गई झारा गुजर गया मौसम गुजर गए साल साल गुजर रहा है दिन दिन गुजर रहा है क्यों लोग मसीह के पास नहीं आते उसी तरह बिदत सयून की तरह आज भी कलिसियाओं के अंदर नीम गर्म लोग पाए जाते हैं जिनको इस रोगन बिल्सान की समझ नहीं आती मसीह के खून की समझ नहीं आती उसके कफारे की समझ नहीं आती ये दे दिया गया है खुदा का बेटा हमें जिसकी वजह से हमें निजात मिल गई है शिफा मिल गई है रेस्टोरेशन मिल गई है और हम क्लिसियो के अंदर वर्शिप करें जिस आप, आप गॉड की वे हम वर्शिप करते हैं हम अपने रोगन बिलसान को हम इस बाम ट्री को सी खुदा के बेटे को जान गए हैं ये कलिसिया में मौजूद है उसे कहा जहां दो या तीन मेरे नाम से जब मैं मौजूद हूं जब रोग बिलसान हमारी बहाली निजात जैसोशन के लिए मौजूद है तो मुकाशवा कलिसिया के अंदर कलिसिया तारीखी के अंदर है और कुछ नीम गर्म हालत के अंदर क्लिसियां थी किसी ने मोहब्बत की कमी थी तो आज हम इन चीजों को दूर करके मुकम्मल तौर तो पर अपनी वबस्तगी इस रोग ने बिलसान बाम ट्री के साथ जोड़े रखें जिससे हमारी जिंदगी है जर्मिया पुकारता है कि तू बेफायदा तरह तरह की दुआएं इस्तेमाल करती है शिफा नहीं पाएगी हमारी रेस्टोरेशन हमारी बहाली लिख लें सिर्फ यीशु मसीह से है वह पालस कहता है जिससे अपना बेटा हमारे लिए कुर्बान कर दिया वो बाकी चीजें हमें क्यों ना देगा हम अपने मसीह पे भरोसा रखते हुए उस पर ईमान रखते हुए हम उसके साथ चले हमारी नजात शिफा बहाली जिंदगी ताजगी यीशु मसीह खुदा के बेटे से है अगर बनी साहि ने यहूदा की सल्तनत ने यरूशलेम के लोगों ने यहवा को ठुकराया असी में गए आज हेल्थ से बचने के लिए बीमारियों से बचने के लिए रेस्टोर करने वाला हमारे पास आ गया हमारा मुंजी खुदा का बेटा जिसने अपनी जानसलीप पर कुर्बान करके मेरा आपका कुफारा दिया है उसके खून से उसके कलाम से हमें जिंदगी निजात शिफा मिलती है और ईमान लाने वाले निजात और शिफा पाते हैं और अवधि जिंदगी उनके अंदर होती है वो तरताज़ा मेवों की तरह खजूर के दर की तरह लहलहाते हैं साधक रिफाकत करते हैं खुदा के गीत गाते हैं वर्ष उठाते हैं कलिसिया में बिना नागा रिफाकत करते हैं और हर हाँ तरह की बरकत से होते हैं और जो वाज मैसेज जो हमें रोग से मिलता है और जो यज्ञ ने टर्म इस्तेमाल की रोगन बिल्सान जो आज कलिस के अंदर है नजाज बहाली उसी से है और जो उस लाता वो जजमेंट करता है जैसे उस वक्त की आज भी वो जजमेंट करता है अब भी जजमेंट भी करेगा जिसके ऊपर मैं बात करना चाहूंगा अस्सैमन बिलीवर्स आज खुदा के खादम रूल कुदस की कुदरत से जिनको शोले बनाया हुआ है वो यर्मिया की तरह का दर्द रख के क्रिश्चियों को आगाह करते हैं कि वो यीशु के पास आ जाएं तो जिस तरह यर्मिया की बात पे ध्यान ना देने से वो असीरी में चले गए उन्होंने कलाम को यहोवा को रद्द किया रोगने बल्साम को रद्द किया यर्मिया के बार-बार समझाने से ताकि ये रोगने बिल्सान की टर्म में समझ जाए कि जिस तरह जो शिफा देता है तो यह हवा वो शिफा देता है और किसी से रिहाई नहीं है पर वो गैर कौमों से बेफायदा तरह तरह की दुआएं इस्तेमाल उन्होंने की यानी उनकी मदद से रिहाई पाना चाहती थी वो रिहा नहीं पा सके बल्कि असीरी में चले गए जब मैंने पहले ही बता दिया था कि दूर के मुल्क से मेरी बिन्नत कौम के रोने की आवाज आती है और जब हम हिस्कल की किताब पढ़े और हमें जो दुख मिलते हैं जो जजमेंट कौम की हुई वो पानी को रोटी को तरसते थे और नबूगत नजर ने उनके ऊपर बंधन डाले जुए डाले लोहे के जुए डाले सख्त मुशक्कत उनसे ली और सख्त सजाएं उनको दी का रोता है खुदा के जो फरियाद करता है वो कहता है तूने नबूद नजर के हवाले कर दिया है कि वो सजा पाए मैंने ये तो नहीं कहा था कि उनके हवाले कर दे तो खुद सजा दे खुदा ने कहा मैं खुद भी सजा दूंगा रोया को पर साफ़ साफ़ लिख ले कि ईमान से जीता रहेगा पर कौम को उनके हैंड ओवर किया कि गद नजर तमबीक कर पर नबू नजर ने हैकल को बर्बाद कर दिया और यहाँ पचास बाप में लिखा है कि अब मेरी बाबल से लड़ाई है क्योंकि मैंने तो कौम को तम्बी के लिए तेरे पास भेजा था पर तूने उनके बूढ़ों को भी सख्त मेहनत करवाई सख्त तकलीफ के अंदर दुख के अंदर हर हाँ तरह का उनको दुखों में डाला मैं अपनी कौम को छुड़ाऊंगा तो न्यू कॉन्विनेट बांध कर आज मसीह के जरिए से छुड़ा लिया है कौम गैर कौमों को पर उस वक्त रोने के बाद यर्मिया को पता थी कि मेरी कौम के रोने की बात तो ये जजमेंट कौम ने खुद अपने ऊपर ली यानी वो खुदा के काम से दूर हो गए खुदा ने कहा कि मैं वन टाइम फिर अगर बाज नहीं आओगे शरीय पर अमल नहीं करोगे तो सेवन टाइम फोर्टीन टाइम ट्वेंटी में तो इतने तो मौके दिए तो वो कौन खुदा को उसने रद्द किया नाराज किया और खुदा से दूर हुई और दुख उठाए पर उनकी जजमेंट तो की पर खुदा ने कहा अब मैं बाबल की भी जजमेंट करूंगा क्योंकि उन्होंने हैकल के बर्तनों के अंदर मैं की हैकल को बर्बाद किया खुदा ने कहा अब बाबल से मेरी लड़ाई है क्योंकि इन्होंने खुदा से लड़ाई की है मेरे इन्होंने बर्तनों को नापाक किया है इन्होंने कौम को दुख दिया है मैं अपनी कौन को छुड़ाऊंगा तो नजर की नबुगा से कौम को भी रिहाई दी आज दुनिया को मसीह के खून से जो हमारा रोगने है है जिसका कलाम हमें जिंदगी देता है, बहाली देता है उससे हमें निजात रहाई मिली है पर उस पर ईमान ना लाने वाले वो यहूदा की की तरह यहूदा के लोगों की तरह जिस तरह बाबल में उन्होंने दुख उठाए इसी तरह आज भी लोग इबलीस के हाथों दुख उठाते हैं क्योंकि वो मसीह पर ईमान नहीं लाते और अगर लाते हैं तो नीम गर्म हालत के अंदर रहते हैं जिसकी वजह से दुख तकलीफें उनकी जिंदगी के अंदर होती है तो वो जजमेंट भी करता है जो गुनाह की हालत में होली कमिनियन में शरीक होते हैं लिखा उनमें बतेरे सो गए बतेरे कमजोर यानी वो नपाकि की हालत के अंदर होली कमिनियन है क्राइस जो न्यू कॉन्विनेंट बांधा है जिससे रिहाई है जो हमारा रोगने जिससे हमारी टेम्पर है जिससे हमारी हीलिंग है वो गुनाह की हालत में जब आएंगे तो वो नाराज होता है जिस तरह कौम को सीरी में जाने दिया आज भी नीम गर्म हालत वाले दुखों में है। तकलीफों के अंदर है बीमारियों के अंदर है रिफाकत से दूर है मसीह से दूर है होली स्पिरिट को नहीं जानते कलाम के शिनमा नहीं होते तो ये मसीह जो रोगने बिरसान है बामट्री है उसको ना पहचानने वाले उसके कलाम को कपारे मान ना लाने वाले यहां भी जजमेंट होती है उनकी और आगे भी हेल की सजा उनको मिलेगी और जो कौमे मसीबे आज ईमान नहीं रखती जिस तरह नबुकत नजर और गैर कौमे उसकी हवा पर ईमान नहीं रखती थी उसी तरह आज भी तमाम कौमे जो मसीब पर ईमान नहीं लाएंगी वो हेल के अंदर खुदा उनकी अदालत करेगा सजा देगा के हवाला से जो इकामन बाप के अंदर जरमिया में लिखा है कि जब खुदा ने उनको बाबल से राग करवाया कौम को तो फिर बाबल को बर्बाद किया और बाबल को बर्बाद किया तो खुदा ने वहां कराई कि मैं तो शिफा देना चाहता था इसके लिए पाना नहीं चाहता यानी उसको भी बिलसान के टर्म में बताया और बाबल की टर्म आईंदा भी एंटी क्राइस के तालुक से है एंटी क्राइस दुनिया ही में से कोई शख्स होगा जो यसुफ सी पर ईमान नहीं लाएगा यानी कफारा उसके लिए भी दिया गया है सब दुनिया के लिए दिया गया है तो जैसे बाबल को कहा गया कि उसके लिए बिलसान लो ताकि शायद वो शिफा पाए यानी शायद वो शिफा नहीं पाना चाहता इसी तरह मुखाबे मुसी पर मां नहीं लाएगा बल्कि वो तो लड़ाई करेगा हर मजदूर के अंदर कौमों के साथ मिलकर कौम को कलिसिया को वो सताएगा मगर उसके लिए भी उसी टर्म में उसके लिए बिलसान लो शायद ये बात जयपाल वो बचना नहीं चाहेगा हलाकत उसका मुकदर है वो हलाकत का फजंद है तसली क्यों दूसरे खत के अंदर और वो अपनी फूंक से क्राइज अपनी दूसरी आमद में उसको भसम करेगा उसको हलाक करेगा तो लिखा शायद वो शिफा बाजे बिल्सान लो शायद वो मुसीबे पर वो मुसीब ईमान नहीं लाएगा पर जो मुसीबत ईमान लाएगा शिफा पाएगा और जो बेफायदा तरह तरह की दुआएं और तरह तरह के फलसे तरह तरह की हिकमत दुनिया के महबूदों की तरफ और अगली बात सुने जो गलत तालीम की तरफ जो मुख्तु खादम गलत तालीमत देते हैं उनकी जाद में आकर खुदा से दूर हो जाते हैं और रिहाई नहीं पाते ये सुम्सी का कलाम जो पाक है होली है और पालस कहता है हमारी कलामें अमेज नहीं है तो गोया हम प्योर बर्ड ऑफ गॉड खुदा का बेटा उसकी तालीम पर ईमान रखते हुए जिंदगी नजात रिहाई पाए फसल काटने क्याम का गुजर गए अब फसलें काटी जा रही है लोग बच रहे हैं ऐसा ना हो कि फसल की कटाई का वक्त खत्म हो जाए और कोई रिहाई ना पाए यसुसी जल्द आने वाला है नीम घर महालत से निकल जाए कलाम की तरफ लौटे क्लिस की तरफ लौटे वर्शिप करे प्रस्त करें रू सच्चाई से इबादत करे रिहाई उनकी जिंदगियों के अंदर होगी और जद में आपकी तरफ दुआएं उठाने वाले आगाह करने वाले होने चाहिए ताकि यसुशी के खून और कफारे की अहमियत को बताने वाले हों और पलूस इब्रानियों में कहता ओ सच्चे दिल से पूरे ईमान के साथ दिल के इल्जाम को दूर करके अपने बदन के ऊपर खून के छींटे लिए हुए बदन को साफ पानी से दिलवा कर खुदा के पास चले वो हमारी ऑइंटमेंट है वो रोगने बिल्सान है उससे अपने आप को सल देते रहे दाग धब्बे झुरिया हमारी जिंदगी से दूर हो जाए जिंदगी बसी के साथ गुजारे क्लिस के अंदर गुजारे व शिव करें और उसके खून के अंदर छिपे रहें बाप में लिखा है कि हम बरक के खून और अपने कलाम की गुआई के बाइस इब्लीस के ऊपर गालिब आते हैं बीमारियों पर दुनिया पर मौत पर गालिब आने के लिए बाम थी रोग ने बिल्सान हमारा बाम ऑइंटमेंट ये सुन का लहू उसका कलाम उसका नाम क्योंकि जमीन के ऊपर आसमान तले आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से निजात हो रिहाई हो रिडमशन हो अपनी ताजगी के लिए जिंदगी के लिए हमें हमेशा इस ऑइंटमेंट ब्लड क्राइस्ट का अपने ऊपर ले और उसके खून के छींटे अपने ऊपर लिए हुए बदन को साफ पानी से डलवाकर खुदा के पास चले उसके फजल के तख्त के सामने रहे में रिफाकत करने वाले बने बनेपल क्लिसिया दुनिया के मुकदस आज भी जो यसुम सीख के खून कफारा तलीम से हटकर कर तालीमत और दुनिया से अपनी रिहाई अपनी ताजगी मांगेंगे वो शिफा वो निजात नहीं पाएंगे बल्कि उनकी जजमेंट होगी और वो अदालत में जाएंगे जिस तरह यर्मिया को रोने की आवाज आती थी के दूर के मुल्क से आज हमें भी उन लोगों की जो ईमान नहीं लाते हेल्थ से रोने की आवाज आती है कि वो रोएंगे पर हमारी दुआ है कि यसुमसी को कबूल करें रिफाकत रखें और बाम बाउंड और रोगने बिल्सान जो हमारा ऑइंटमेंट है यसुमसी का खून उसका कलाम यसुमसी का नाम उसकी जात उस पर ईमान रखते हुए रिफाकत रखें बिलीवर्स क्रिस्टोलॉजी की तालीम को समझता हुआ रोग ने बिलसान बाम को समझता हुआ साइमन आपके साथ टेंपल गोड की क्लिसिया मुकस आपके साथ कठियो चैनल के ऊपर रिजॉइसिंग टाइम के द दाऊद के साथ ऐ खुदा मुझे अपने फरमान की राह पे चला क्योंकि इसी में मेरी खुशी है नाजिन उम्मीद है कि आज की स्टिचिंग से जो कि रोगने बुलसान के हवाला से थी आपने गहरे मुकाशवाजात को रेविन डॉक्टर विल्सन काम से हासिल किया आप इस तालीम को दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इससे बरकत को हासिल करें ना आप टेम्पल ऑफ गॉड चर्च को ज्वाइन कर सकते हैं और संडे सर्विस का टाइम नौ से बारह बजे है और आज कल रेविन डॉक्टर विल्सन काम ने न्यू सीरीज का आगाज किया है जो कि स्पिरिचुअल योग के हवाले से है जिसे लोग बरकत को हासिल कर रहे हैं आप भी हैं और दूसरों को भी लाएं इसी तरह बुध के रोज़ शाम सात से नौ बजे बाइबल स्टडी होती है जिसमें की किताब के हवाले से टीचिंग दी जा रही है इसमें दूसरे खादम भी ज्वाइन करते हैं और बरकत को हासिल करते हैं अगले जुमा ठीक आठ बजे इसी वक्त आपकी खिदमत में एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे जो कि इसी तरह खुदा के मुकाशफात और बेदों से भरपूर होगा तब तक के लिए इजाजत दीजिए गॉड ब्लेस ऑल गॉड ब्लेस पाकिस्तान